हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गॉडज़िला मॉस्किटो कॉइल के बारे में बात करेंगे। यह कॉइल तो आप लोग यूज़ करते हो शायद डेली लाइफ में। हमारे यहाँ यह मॉस्किटो कॉइल बहुत ज़्यादा चलता है गॉडज़िला। ये बर्मा का है, लोग चाइनीज़ बोलते हैं। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसमें कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। सभी प्रोडक्ट के होलसेल और रिटेल के बारे में बात करते हैं हमारे वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है बर्मा का गॉडज़िला, जिसको लोग चाइनीज़ गॉडज़िला बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो लोग नहीं समझ पाते और इसको बोलते हैं चाइनीज़ गॉडज़िला। ये बर्मा का बना हुआ है। ये इस काफ़ी जहरीली गॉडज़िला है, मस्कीटो का कॉइल है जिससे मच्छर मरते हैं, भागते हैं। तो ये हमारे लिए एडल्ट के लिए ये अच्छा है, क्योंकि मच्छर भागते हैं, मच्छर मरते हैं। लेकिन ये अच्छे के साथ इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि इससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इसका जो सेंट आता है वो लोग नहीं सह पाते हैं। उन लोगों का सर दर्द होता है और सांस लेने में दिक्कत होता है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, और आगे जाकर उन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो प्लीज़ जिस घर में छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो उस घर में ये जो चाइनीज़ जो बर्मा का गॉडज़िला है वो प्लीज़ यूज़ मत करिए। वैसे ये गॉडज़िला काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस वो जहरीली होने के कारण बच्चे लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। तो फिर आता है ये इंडियन गॉडज़िला, जो हमारे यहाँ का गॉडज़िला है। इससे मच्छर कम भागते हैं, कम मरते हैं, क्योंकि ये जहरीली कम है। इसीलिए जहरीली कम होने के कारण मच्छर कम मरते और कम भागते हैं। इसीलिए लोग कहते और सोचते हैं कि ये डुप्लीकेट है, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं, ये भी ओरिजिनल है। ये हमारे इंडिया का गॉडज़िला है। देखिए, इसका पीछे इंग्लिश लिखा हुआ है, और वो वाला बर्मा का जो है उसका पीछे पूरा चाइनीज़ लिखा हुआ होता है, और इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है। देखिए, ये इंडिया का गॉडज़िला है, और ये जहरीली कम है, क्योंकि जहरीली ज़्यादा होने से इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करते। इसीलिए ये जहरीली कम है और मच्छर कम मरते हैं, कम भागते हैं, इसलिए लोग इसको डुप्लीकेट कहता है। लेकिन प्लीज़ जानिए, ये डुप्लीकेट नहीं, ये भी ओरिजिनल है। और जिस घर में बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, उस घर में ये इंडियन गॉडज़िला प्लीज़ यूज़ कीजिए। नहीं तो बच्चे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम होता है, और इसका सेंट सूंघते ही सर दर्द भी होता है। तो जिस घर में बच्चे लोग हैं वो लोग इंडियन गॉडज़िला प्लीज़ यूज़ करिए, नहीं तो आप लोगों के बच्चों के लिए हानिकारक है बर्मा का गॉडज़िला। और जिस घर में एडल्ट है वो लोग बर्मा का जो गॉडज़िला है वो यूज़ करते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहते हो, ये चाइनीज़ जो बर्मा का गॉडज़िला है वो भी ओरिजिनल है, और इंडिया का गॉडज़िला जो है वो भी ओरिजिनल है। इससे मच्छर नहीं भागता, क्योंकि ये जहरीली कम है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। और जो जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले ये चाइनीज़ बर्मा का गॉडज़िला उन लोगों के बच्चे के लिए हानिकारक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, और सभी प्रोडक्ट के होलसेल और रिटेल के रेट के बारे में बात कर दे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।